क्या कार्यक्रम किया गया है और क्या हुआ? हमारे यहाँ पर आज 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस और कल 21 मार्च विश्व कविता दिवस का संयुक्त आयोजन चल रहा है। और यदि गौरैया दिवस का निर्णय तो बहुत देर से लिया गया था, यानी कि 2010 में इसका निर्णय लिया गया कि विश्व कविता गौरैया दिवस मनाया जाए, कविता दिवस मनाया जाए। लेकिन हमारे जो संस्थापक भी हैं, हमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संगम के आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर, उनका जो चिंतन है वो बहुत पहले से चल रहा था और उन्होंने अनेक कविताएं लिखी जो आज निश्चित रूप से चरितार्थ हो रही है, इस विषय पर खरीद कर रही है, और उनका जो चिंतन है समाज के रूप में जग जाहिर है। हम बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि आज हम इस अवसर पर सबके समक्ष इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, कुछ देने का समाज को प्रयास कर रहे हैं कि उनका चिंतन भी इस ओर हो कि हम निश्चित रूप से पक्षियों के प्रति गौरैया के माध्यम से कुछ जागरूक हों और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ प्रयास करें। तो कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल? यहाँ कार्यक्रम में हमारी संस्था के संरक्षक श्री कमलकांत तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। संस्था के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी कर रहे हैं और कविवर के रूप में हमारे भी श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे सम्माननीय सदस्य संस्था की श्रीमती पूनम रेणु तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। सदस्य सम्माननीय सदस्य हमारी श्रीमती पूजा शर्मा यहाँ उपस्थित हैं। प्यारी कुटिया अंजलि यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे संस्था के जो संस्थापक जी हैं उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के आशीर्वाद से, और वो भी यहाँ उपस्थित हैं और हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को एक सफल रूप प्रदान कर रहे हैं।